अच्छा फिर कैसे आपने आपने क्या देखा ऐसी बात कि आपने हाँ कर दी? कोई तो होगी ना अट्रैक्शन पॉइंट, क्या होगा? आई नीड टू ऐड समथिंग इफ आई, हाँ हाँ प्लीज प्लीज, मुझे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मैं पहले रिजेक्ट हो चुका था, मेरा एक प्रॉपर रिश्ता इंटरव्यू था, तो खाला से मैं मिला था। अच्छा, अनिया की जो खाला है उनसे मैं एक दफ़ा मिला था, उन्होंने मुझे बोला था बेटा आई एम श्योर गुप्ता विल लव यू, लेकिन मुझे बहुत डर लगता था। मेरे दिमाग में ना एक वो बहुत ही मिश था, वो थोड़ा सा आंटी का ये कौन सी वाली आंटी, इस तरह भी देख रही आंटी, वो दिमाग में वो एक इमेज था। तो मैंने ना खालस, मेरी को घंटे की बात हुई, तो अनफॉर्चुनेटली शी पास्ड अवे अभी लास्ट ईयर। तो मैं गया रिश्ता इंटरव्यू देने और मैं इस तरह बैठा हुआ था, मैं अंदर आई हूं राइट रूम में, ही इज लाइक दिस, आई एम लाइक इसको क्या हो गया, इसके कंधे क्यों नीचे आ रहे, यू यू बैठा हुआ यू, और रिजेक्टेड बैठने की वजह से नहीं, मतलब बहुत एक्स्ट्रा नर्वस हुआ हुआ था उस मीटिंग में ना, बहुत ज्यादा नर्वस, मतलब मैं भी अंदर गई तो इतनी ज्यादा लाइक होता है ना कि फजूल बात किए जा रहे हैं, मैं सुन रही हूं, लाइक यू नो व्हाट इज ही सेइंग, व्हाई इज ही सेइंग ऑल दिस, मैं भी बोर हो रही हूं, साथ में एक ऑकवर्ड सी साइलेंस हो रही थी, मैंने उसको मैसेज किया, मैंने लिया आई थिंक इट्स टाइम टू गो, तो अल्लाह हाफिज करो तुम जाओ। तो वो इतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं था। अच्छा, और फिर रिजेक्शन का एक ठप्पा लग गया उसे। Hey. दो तीन दिन तो मम्मा ने मुझसे ना कोई बात ही नहीं की, दो तीन दिन नहीं बल्कि पूरा हफ्ता, she didn't discuss it with me, कुछ बताया नहीं, मैं भी नहीं पूछ पा रही थी कि you know, क्या है, कैसा लगा, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद जो है she's like, you know, नहीं, हमें नहीं समझ आ रहा, आज एक अच्छा उसकी फैमिली आ रही है, फैमिली से मिलने कुछ डिस्कशन की थी आपने, मतलब आपने मशवरा किया था कुछ कैसे? नहीं, मी एंड माई हस्बैंड वर ऑन द सेम पेज। अच्छा, उनका भी यही ख्याल था कि नहीं अनिया में और इसमें मतलब कंपैटिबल नहीं लगते। अब जाहिर है हमें हमारा जो पहला इम्प्रेशन था ब्लॉग देख ले कोई तो अनिया से फिर बात की थी हमने, उस उनके आने से पहले ही बात हुई थी हमारी, और जब फाइनली मेरी और अनिया की डिस्कशन हुई और मुझे जिस चीज़ से तसल्ली हुई वो ये था कि अनिया बहुत समझदार है। ठीक है, मैंने कहा कि हाँ कि ये बहुत समझदार है और अगर इसने अपने लिए ये चूज किया है तो कोई ना कोई रीजन होगा, तो आई बेटर ट्रस्ट हर चॉइस, ये एक मेरे माइंड में आया। फिर जब हमजा के पेरेंट्स आए घर पे तो उन्होंने जिस प्यार और मोहब्बत से रिश्ता मांगा इसका, ओहो, क्रेडिट गोज टू आपके पेरेंट्स, डैडी चेरी ऑन टॉप, ओहो हाँ यस, तो बहुत ही प्यार से उन्होंने एक बड़ा तमहीद बांध के और एक प्यारा सा किस्सा सुना के और उसके बाद हम भी झोली फैला के आए हैं आपके पास और अपनी बेटी। तो खैर मुझे उस वक्त रोना आ गया, मैंने कहा क्योंकि मैं हाँ करने वाली थी, मैं भाई को देख रही हूँ, अपने हस्बैंड को देख रही हूँ, समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो दिल में एक हाँ एक्सेप्टेंस थी कि हाँ ठीक है, अच्छे लोग भी अच्छे हैं और हमजा के लिए अनिया की चॉइस है तो अच्छी होगी। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो फौरन हमजा की अम्मी जो थी वो खुश हो गई, उठी और उन्होंने फौरन मिठाई मुंह मीठा कराया सबका। सबसे मजे की बात है कि जिस दिन हमारा रिश्ता हुआ उस दिन कोई इंटेंशन नहीं थी रिश्ते की, इट वाज नॉट अ रिश्ता मीटिंग। मामा ने बोला कि बस हम लोग जो है ना अभी कैजुअली उनसे मिलना चाहते हैं, कि हम लोग देख लें किस तरह के लोग हैं, तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे, वो भी थे, मामू भी थे, तो बैठे हुए थे और मैं बाहर बैठी हुई थी, मैं हया और अली की बहन जो, हम लोग सब बाहर लाउंज में बैठे हुए थे और अंदर ड्राइंग रूम में मुसलसल बातचीत चल रही है और मैं बाहर एंग्शियस हो रही हूँ। मैंने हया को बोला, हया अच्छा हया जो है ना मुझे हर चीज़ में इस तरीके से बहुत सपोर्ट करती, बड़ी बहन जो है, तो मैंने हया को बोला हया अंदर जाके देख के तो आओ क्या बात हो रही है क्या हो रहा है, तो वो अंदर गई, अंदर जाके वो भी बैठ गई, मैंने बोला ये मैंने इसको भेजा है, वो भी बैठ गई, एंड कोई 15 मिनट बाद जो है ना वो भागती हुई आई है, फिर मेरी सास भागती हुई आई, फिर मम्मा रोती हुई आई और सब मुझे आके ना गले लगा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। और ये किधर थे? ये इस्लामाबाद में था और ये इनकी तो बहुत ही बुरी हालत, पता ही नहीं था इसको। जब मैंने फोन किया आज लाइक अली हमारा रिश्ता हो गया, अच्छा बताओ क्या बात हुई थी, आई एम लाइक आई एम सीरियस रिश्ता हो गया, लाइक मजाक नहीं करो ना, लाइक इट टुक मी अ गुड 10 मिनट्स कि मैं इसमें यकीन दिलाऊं कि हां। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AY डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।